लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और इस सूरत को बदलने के लिए हमारे लोकसभा के आदरणीय प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हैं, श्री संजय शर्मा जी राज्य मंत्री एवं विधायक अलवर, श्री अशोक गुप्ता जी जिलाध्यक्ष भाजपा अलवर, श्री संजय जी संयोजक लोकसभा चुनाव, श्री धर्मवीर शर्मा जी पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, डॉक्टर करण सिंह यादव जी पूर्व सांसद, श्री बनवारी लाल जी पूर्व विधायक रिटायर्ड आईपीएस, महेश भारद्वाज जी, श्री दीपक शर्मा जी मंच संचालक, समस्त भाजपा कार्यकर्तागण, मोर्चों के पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ सभी नुमाइंदे और उपस्थित मात्र शक्ति, अभी अभी यादव जी ने मुझे बधाई दी। बड़े अरसे के बाद हमारे घर में एक लक्ष्मी का आना हुआ है, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मी कमल के फूल पर आती है, भाई आप सब लोगों को कमल खिलाना होगा। तो यही आग्रह करने में आया हूँ, और निश्चित रूप में टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। देश को एक मजबूत लीडर ही देश को मजबूत बना सकता है। आज जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, हमारे पड़ोसी देश ईर्ष्या कर रहे हैं, और भी देश ईर्ष्या कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है, विश्व के अंदर अपनी भूमिका निभाता जा रहा है। तो ये देख करके आज हम सबको एक ऐसे मजबूत लीडर को चुनना होगा, मोदी जी को ताकत देनी होगी, जो देश को मजबूत बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे। मैं जब पार्लियामेंट में था, स्टैंडिंग कमेटी का मैं चेयरमैन था, और जब ये बात आती थी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 ए हटवाया जाए, तो हमारे मित्र कहते थे छू के देखो, अगर धारा 370 हटाई तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, कत्लेआम हो जाएगा। और हम इतने भयभीत हो जाते थे कि भैया इसकी बात ही मत करो, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा ही मत करो। और जब पंचायत राज का बजट आता था तो हमारे जम्मू कश्मीर के सांसद चुप बैठे रहते थे। हम कहते थे बोलो भाई कुछ तो बोलो, कहने लगे भाई हमारे यहाँ पंचायत राज नहीं है, पंचायत सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, कोई बजट नहीं है, हमारे यहाँ कोई पंचायतों के चुनाव नहीं होते हैं। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था, हमारे साथी मदन लाल सिंह और मदन लाल शर्मा जी थे चुप रहते थे। मोदी जी ने साहस दिखाया, भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि हम धारा 370 हटाएंगे, 35 ए भी हटाएंगे, और अमित शाह जी ने अपने वाक चातुर्य से या बुद्धि कौशल से अपने लोहा पुरुष होने का परिचय दिया और पार्लियामेंट के अंदर धारा 370 हटाई। आप बताइए क्या खून की नदियां बही? कुछ नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि धारा 370 हटी और उसके बाद क्या हुआ, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 2070 और 35 से हटाया गया, जो कि माननीय मोदी जी का ऐतिहासिक कदम था। इसके हटने के बाद चाइल्ड मैरिज एक्ट, शिक्षा का अधिकार और भूमि सुधार जैसे कानून वहां पर प्रभावी हो गए। मालवीय, दलित और गोरखा जो राज्य में दशक से रह रहे थे, उन्हें भी राज्य के अन्य निवासियों के तरह समान अधिकार मिला। फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर को 5,300 किलोमीटर सड़क बनाई गई। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 13,732 करोड़ के एमओयूज समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये बहुत सी उपलब्धियां हुई। केंद्र सरकार ने 170 कानून
जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे वो लागू कर दिए। तो बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। जो हमारा मस्तक हमसे टूटा जा रहा था, जहां केवल परिवार वालों का राज्य था, सारा पैसे की सरकार जो परिवार वाली सरकार थी उनको मिलता था और समाप्त हो जाता था, वहां मोदी जी ने करिश्मा करके दिखाया। लाल चौक में तिरंगा फहराने का साहस नहीं होता था, वहां पर आज तिरंगा फहराया जा रहा है और वहां पर नाचगान हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी तो हमें पीओके भी लेना है। मोदी जी को ताकत दोगे 400 पार ले जाओगे, निश्चित रूप से पीओके भी आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा। भारत का जो अभिन्न हिस्सा है वो भारत में जुड़ जाएगा और भारत अखंड भारत बन जाएगा। 370 की आजादी के बाद, एक साल के बाद, वहां के गांव और जनपदों में जिला पंचायत के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। कई वर्षों के बाद वहां 2019 से पंचायती चुनाव नहीं हुए थे और इसके बाद जो है यहाँ 74.1% जो है लोगों का मतदान हुआ और सारे हमारे चुनाव वहां पर सफल हुए। तो ये एक विकास गाथा है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। हमारे हरिद्वार में जब रेलवे का इंजन आता था तो हरिद्वार से देहरादून ऊंचाई पर होता था, तो एक इंजन गाड़ी को ढकेल नहीं पाता था, तो दो इंजन लगते थे, एक आगे एक पीछे, एक खींचता था एक ढकेलता था, तो दो इंजनों से गाड़ी जो है देहरादून पहुंच जाती थी। तो तब से ये एक चला कि भाई डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। हमारे राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। यहाँ भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो डबल इंजन काम करेगा, दुगनी रफ्तार से चलेगा, दुगना विकास करेगा और वो आपका विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा, आपकी भावी पीढ़ी का विकास होगा। तो ये बहुत सी उपलब्धियां हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। वैसे तो आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार का नेतृत्व दिया। रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो गई। यूक्रेन में लगभग हमारे 25,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे थे, वहां फंस गए। वहां कुछ पाकिस्तानी भी थे, नेपाली भी थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो करके दिखाया जो दुनिया का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की, व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की और फोन करके कहा भाई हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उनको निकालना है, आप थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम कीजिए। 4.5 घंटे तक युद्ध रोका गया और 22,500 लड़के वहां से निकले। जब ये पूछा गया कि इनकी पहचान कैसे होगी तो कहा गया जिनके हाथ में तिरंगा झंडा होगा उन सबको निकलने की आजादी दी जाएगी। तो पाकिस्तानियों के हाथ में भी भारतीय झंडा था, नेपालियों के हाथ में भी भारतीय झंडा था, भारतीयों के हाथ में तो हमारा तिरंगा था ही और सब भारत माता की जय बोलते हुए निकल गए। यह है मोदी जी का करिश्मा। अभी आपने देखा कि जो आतंकवादी समुद्र के लुटेरे समुद्र में पाकिस्तानियों को घेर लिया और उनको हमारी नौसेना ने निकाल करके बचाया, वो भी भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो आज दुनिया के अंदर भारत माता की जय बोली जा रही है। इंडिया इज लीडिंग नाउ। जब कोई समस्या पैदा होती है दुनिया में तो माननीय प्रधानमंत्री से पूछा जाता है कि आप भी अपने विचार दीजिए और बताइए। कहा गया है धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए जाए। आपातकाल में आदमी की परीक्षा होती है और आपातकाल आया, कोरोना का काल आया, याद दिलाऊंगा, कुछ आपको अतीत में ले जाऊंगा। कोरोना काल के अंदर विदेशियों ने कहा देखते हैं भारत क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा। वैक्सीन तो विदेशों में बनती है, विदेशों से भारत जाती है, भारत उसमें इंपोर्ट करता है। पर हमारे प्रधानमंत्री जी पुणे गए और वहां कहा उन्होंने कि हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन बननी चाहिए, इट शुड बी मेड इन इंडिया। भारत की वैक्सीन भारत के अंदर बने और भारत के लोगों को। आपको एक दफे नहीं, दो दफे नहीं,
तीन तीन डोजेज लगी है, हाथ खड़े करो जिनको दो दो डोज लगे, तीन तीन डोज लगे, देखिए सब खड़े। ये मोदी जी का करिश्मा है भारतवासियों को बचाने के लिए। एक आदर्श बीमारी जो दिखती ही नहीं थी, डॉक्टरों को पता ही नहीं था क्या होगा, कैसे इलाज होगा, उससे मोदी जी ने संघर्ष किया, सबको डोज लगाया। और विपक्षी दल क्या कहता था, ये तो मोदी का इंजेक्शन है, इससे बच के रहना भाई। क्या क्या प्रचार किया गया, और प्रधानमंत्री ने ये वैक्सीनेशन बनवाया, भारतवासियों को लगाया और उन देशों को दिया, 100 देशों को दिया जो गरीब देश थे। एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, G20 के अंदर बहुत से राजदूत आए, कहने लगे वी आर ग्रेटफुल टू मोदी जी, हम मोदी जी के आभारी हैं, हमारे शरीर के अंदर मोदी जी का कोरोना वायरस लगा हुआ है, इंजेक्शन लगा है कोविड का, हम मोदी जी के आभारी। तो सारी दुनिया मोदी जी का आभार प्रकट कर रही है, मोदी जी का नेतृत्व तो सारी दुनिया के सामने है, उनकी सोच सारी दुनिया के सामने है, उनके काम करने की पद्धति सारी दुनिया के सामने है, और देश उनके साथ चल रहा है। उन्होंने इस समय कहा 400 पार एक लक्ष्य रखा, जैसे हम कहते हैं भाई एवरेस्ट को चढ़ेंगे, सबसे ऊंचा चढ़ेंगे, ऐसे एक लक्ष्य रखा है और हम सबने मिलकर उस लक्ष्य को पार किया। तो एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट हम सबने देना है। बहुत सी उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री जी की है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 5 किलो का मुफ्त राशन कोरोना काल के अंदर दिया गया, लोग निकल नहीं सकते थे, ले नहीं सकते थे, बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई, 5-5 किलो का राशन दिया गया। इसकी शुरुआत 2020 में COVID-19 की महामारी के दौरान हुई, इसमें 81 करोड़ 45 लाख लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दिया गया, और ये योजना अब भी चल रही है, और 1 जनवरी 2024 से लेकर 2028 तक ये योजना 5 साल के लिए और बढ़ाई गई है। ये आपकी और खुशखबरी है आपके लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 2,95,00,000 घरों का निर्माण किया जा चुका है, और इसमें ग्रामीण लोगों के लिए 1,30,000 और पहाड़ी शहरी लोगों के लिए 1,20,000 का प्रावधान किया गया है। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपए जो है ये किसानों को उनके सीधे अकाउंट में जा रहा है, जबकि पहले तो इसमें कटौती हो जाती थी, पूरा पैसा नहीं पहुंचता था, अब डिजिटल के माध्यम से सीधा पैसा पहुंचता है। तो ये 9 करोड़ किसानों के बैंक के खातों में 16वीं किस्त की राशि जो है हस्तांतरित कर दी गई है। आयुष्मान भारत योजना, एक गरीब आदमी का मकान बिक जाता था, जमीन बिक जाती थी, किडनी का ऑपरेशन होना है, कैंसर का ऑपरेशन होना है, कैंसर उस आदमी को नहीं मारता था, उसके पूरे परिवार को मार देता था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना बनाई कि 5 लाख तक का इलाज जो है मुफ्त किया जाएगा। कुछ दिन पहले मुझे एक मित्र मिला, यहां से कनाडा चले गया, अब वापिस आ गया। मैंने कहा भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, कह जी मैं तो कनाडा इसलिए गया था कि कनाडा में हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वहां की सड़कें बहुत अच्छी है, अब तो मैं भारत आके बसना चाहता हूँ, भारत में 5 लाख का इलाज मुफ्त हो रहा है, ये तो कनाडा से भी अच्छा। सड़कें यहाँ के बड़ी चौड़ी चौड़ी हो गई, 8 लेन की सड़क बनी हुई है, देख लो जाकर। तो उसने कहा अब कनाडा से अच्छा भी हिंदुस्तान हो गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अब विदेशी लोग भी भारत आ रहे हैं, जो ये आयुष्मान भारत योजना जो है, ये 5 करोड़ लोगों ने इससे अधिक लोगों ने इलाज इलाज कराया है, इसका लाभ लिया है। स्वच्छ भारत जो है योजना, चंद्रमा के साउथ पोल में चंद्रयान उतारा गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है, और जिस देश में बैलगाड़ी चलती है उस देश ने अपना रॉकेट उड़ाया, चंद्रयान उड़ाया, और सफलतापूर्वक साउथ पोल में उसको उतार करके कर दिया, जहां कोई भी नहीं पहुंचा था। इट वॉज द डार्क रीजन, और वहां पर जो खनिज पदार्थ हैं, रेयर अर्थ हैं, जो यहां साइंस के लोग होंगे मेरी बात को समझेंगे, आपका जो मोबाइल है इसके अंदर जो मैग्नेट होता है, आप बात करते हैं वो
मैग्नेट बड़ी तेजी से आवाज को फेंकता है। ये सब रेयर अर्थ का कमाल है। आपके कंप्यूटर के अंदर रेयर अर्थ लगती है, आपके सैटेलाइट के अंदर रेयर अर्थ लगती है। आने वाले समय में दुनिया में वो राज करेगा जिसके पास रेयर अर्थ होगी। तो ये रेयर अर्थ के लिए मोदी जी ने कहा चंद्रयान साउथ पोल पे उतरा है और वहां खनिज पदार्थों का अवलोकन करेगा, ढूंढेगा कि वहां पर कितनी रेयर अर्थ है और उससे भारत को कैसे लाभ मिल सकता। तो कितने बड़ी बात है, कितने डायमेंशन को मोदी जी ने देखा और सोचा और वहां पर कॉलोनी बसेगी। और मोदी जी ने कहा कि आप तो चंद्रमा की यात्रा एक टूर की तरह होगी, जैसे आप टूर करने जाते हैं वैसे चंद्रमा की यात्रा कर सकेंगे, वहां पर सैटेलाइट टाउन बस सकता है। इस प्रकार की सारी संभावना को मोदी जी ने बताया और ये भारत के लिए बड़े गर्व और फख्र की बात। अयोध्या विवाद अंत हुआ, 500 साल पुराना मसला। भगवान राम का पावन मंदिर तोड़ दिया गया, लोग लड़ते रहे, शहादत देते रहे, हजारों लोग मर गए, कुछ गिने गए, कुछ अनगिनत थे, सबने शहादत दी और मोदी जी ने उसका हल भी निकाल दिया और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की प्रतिष्ठा हुई और हमने दोबारा दिवाली मनाई प्रसन्नता पूर्वक हर्षोल्लास से इस पावन पर्व को मनाया कि प्रभु आ रहे हैं। आपने सुना होगा तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी से कि मुझे प्रभु राम का दर्शन चाहिए। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। तुलसीदास जी का जन्म तो कलिकाल में हुआ और वो चंदन घिस रहा है, प्रभु तिलक कर रहे, प्रभु भी कलिकाल में आ गए भक्त के लिए। ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि आपके सामने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भारत का जो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। जिसको आपने समर्थन दिया, जिसको 140 करोड़ लोगों ने अपनी ताकत दी, अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। जब मोदी जी किसी विदेश के नेता से हाथ मिलाते हैं तो उनके हाथ के साथ 140 करोड़ का भी हाथ होता है, आपका भी हाथ होता है। कांग्रेस पार्टी तो कहने लगी राम का कोई जन्म ही नहीं हुआ, राम का कोई प्रूफ ही नहीं है,